विजय राठी जी, आप ही के पास आ देती हूँ। अखिलेश के पीडीए का खेल किसने बिगाड़ दिया उत्तर प्रदेश में? ये क्रॉस वोटिंग, बैठकों पर बैठकें, ये सुनिश्चित करने की कोशिश थी, कवायद थी कि क्रॉस वोटिंग ना हो, लेकिन आखिरकार में हुआ क्या? क्रॉस वोटिंग हुई, कितना बड़ा झटका है ये आपकी पार्टी को? देखिए पूर्णिमा जी, झटके की बात नहीं है। जो पीडीए की बात हम लोग करते थे, हम लोग उस पर अड़ी हैं, और पीडीए की बात जनता के लिए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी या वो अगड़े जो पीड़ित हैं इस सरकार से, उनकी बात हम करते रहेंगे। कुछ चुनिंदा नेता जिन्हें अगर माल खाने जाना है, या जिनको अंतरात्मा की आवाज आई कि उन्हें बिकना है, या कोई पैकेज लेना है, या उनपे कोई जोर दबाव है, या वो साहस नहीं कर सके इस सत्ता से लड़ने का, वो जरूर गए हैं। तो ऐसे अगर और भी हैं वो भी जा सकते हैं, इसमें कोई डरने की हताशा की बात नहीं है। ऐसे लोगों से माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से देखिए, ये साफ हो गया कि कैंडिडेट इसलिए उठाया था कि ये पता चल जाए कि कौन हमारी पार्टी में रह करके भीतरघात कर रहा, किसके मन में क्या है, कौन दिखावा कर रहा है। और आज मैं बता दूं, जो लोग गए हैं इन पे कितने एहसान है पार्टी के, ये भी नहीं भूल पाएंगे। अंतर आत्मा जो इनकी जागी है, अगर इनका जमीर भी जाग जाता, ऐसे ऐसे लोग हैं जो जेल में बंद रहे, जिनको टिकट मिल गया, नेताजी की कृपा रही, बन गए विधायक, और जिस तरीके से टिकट मांगते थे ये लोग, ये जानते हैं समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव नेता बनाने की फैक्ट्री है। जितने युवा राजनीति करने आते हैं सपने लेकर के, उन्हें इस लायक बना देते हैं कि आगे जाकर के तुम्हारा अच्छा दाम मिल सके, और वही अपना दाम लगा करके मतलब, लोग बिकते मतलब हैं। ये अंतर आत्मा की आवाज नहीं है ये। राठी साहब, आप ये कहते हैं कि एक एक अखिलेश यादव है वो एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं कि आओ मैं तुमको ट्रेन करता हूँ, और उसके बाद उनका जमीर मर जाता है, उनकी अंतरात्मा अचानक से जग जाती है, और एसएन सिंह साहब क्रॉस वोटिंग करते हुए सपोर्ट कर देते हैं आपकी पार्टी को। बड़ी गजब स्थिति है सर, कैसे कैसे ये सब मैनेज रातों रात हो जाता है? आरोप बड़े गंभीर है राठी साहब लगा रहे हैं। पूर्णिमा जी, दरअसल ये लोग तुलसीदास जी को सुनते नहीं, पढ़ते नहीं है, तो सनातन को गाली देते नहीं। तो तुलसीदास जी ने लिखा है, आदमी कुछ नहीं करता भाई, सबई नचावत राम गोसाई, नाचत सब मार्केट की नाई, किसकी बात कर रहे हैं? अरे ऐसे पार्टी के प्रवक्ता हैं जिसके जिसके चरित्र ही शुरू से यही रहा, बीपी सिंह जी मुख्यमंत्री बनने के लिए उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह जी के पुत्र अजीत सिंह जी को भेजे थे, लेकिन बंदूकों के बल पर वहां मुख्यमंत्री कौन हो जाता है? ममता बनर्जी का साथ देने के लिए कौन साथ छोड़ देता है? तुलसीदास की बात है, पर सब लोगों ने पहले देखा है कि समाजवादी पार्टी का चरित्र चेहरा क्या रहा है। समाजवादी पार्टी जो आबरू लूटने का कार्य, जो वोट लूटने का कार्य, जो हत्या डकैती फिरौती पता नहीं क्या क्या कार की, वो ऐसी बात कहेगी तो नहीं अच्छा लगेगा। और मैं कहता हूं कि देखिए, वोट देने का सबका अपना अधिकार है, स्वतंत्रता है, कोई बाध्यता थोड़े ना है। अगर कोई किसी दूसरी विचारधारा को अपना रहा है तो क्या आप उसका गला काट देंगे? नहीं ऐसा कर सकते, आदमी स्वतंत्र है भाई, वो वोट देगा। और मैं तो कहूंगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों लोगों को, इन दोनों लोग अगर कुछ कहेंगे तो देश की जनता मुस्कुराएगी। साहब ये कोई बहुत अच्छी परंपरा है क्या? इंदिरा गांधी की सरकार कैसे? लेकिन आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी परंपरा है क्या? क्रॉस वोटिंग जैसी स्थिति, आपको सपोर्ट मिल रहा है इसलिए आप कह रहे हैं, लेकिन क्रॉस वोटिंग जैसी स्थिति, वो जो फिल्म का डायलॉग है ना, आज खुश तो बहुत हो गए तुम, तो आज तो बीजेपी का हाल वही है। कहीं पर भी देख लीजिए, फिर चाहे हिमाचल उठा लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश उठा लीजिए। अरे पूर्णिमा जी, हम नहीं, हमारे दादा परदादा, उनके दादा परदादा भी कहते थे स्वार्थ के सब संगे भी स्वार्थ नहीं कोई, पाले सुगा सारिका पाल कागन पाले को। पूर्णिमा जी बताइए, अगर कोई पेड़ सूख गया हो उस पे पशु पक्षी भी अपना घोंसला नहीं लगाते, जो नाव डूब रही उससे सब लोग अपना किनारा कर लेते। आज कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की नाव डूब रही है, अब किसी को राजनीति करना है तो राजनीति करेगा ना? पूर्णिमा जी, प्रकृति और पुरुष दोनों की सेम विचारधारा होती है। आप प्रकृति को देखिए, सुबह की धूप और शाम में अंतर होता है, पुरुष को भी देखिए, एक व्यक्ति जो दौड़ता है अपने जीवन काल में, वही बुढ़ापे में आंख कान नाक सब उसका साथ छोड़ देते हैं। आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक समाजवादी पार्टी होगी, आज किसी व्यक्ति समाजवादी पार्टी हो गई है। राठी जी 30 सेकंड दूंगी, राठी जी 30 सेकंड दूंगी, 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो गई है, और आप तो इनके बजट को विदाई बजट बता दे रहे थे सरकार। किसने कहा आपसे समाप्तवादी पार्टी है? ये कह रहे हैं बैठे हुए सिंह साहब। तानाशाहों का अगर हम इनको नहीं दिख रहा है भैया, इनको नहीं दिखेगा, इनको क्यों दिखेगा? जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, पीडीए है, उसको नहीं दिखेगा?
और अहंकार में भी रावण को कहां दिखा? किसी भी अहंकारी आदमी को नहीं दिखता है। अगर अहंकार में अच्छी चीजें दिखता तो चयन कर देता क्या चुनना है। अगर सभी सभी जो भगवान के भक्त इनके विधायक अयोध्या जाना चाहते थे पूर्णिमा जी, तो उनपे रोक लगाने की क्या आवश्यकता? भाई कोई अपने धर्म को मान रहा है। अब ऐसा तो नहीं है पूर्णिमा जी कि समाजवादी पार्टी में कोई रहेगा और हिंदू धर्म ही नहीं मानेगा, भगवान राम की पूजा ही नहीं करेगा। अगर मनोज पांडे जी की इच्छा थी कि हम भगवान राम का दर्शन करें तो अखिलेश यादव जी को रोकने की क्या आवश्यकता थी? आप भारत में रहकर सनातन को गाली देंगे, हिंदू धर्म को डेमो एरिया बताएंगे और उसके बाद भी कहेंगे अगर आप ऐसा कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका साथ लोग छोड़ेंगे। और सनातन के लिए तो हमारे शास्त्रों में कहा गया, लेकिन राठी साहब समझ में नहीं आ रहा है। सिंह साहब एक सेकंड, लेकिन राठी जी समझ में नहीं आ रहा है कि असल में ये क्या है आपके एंड पे? कोई खीज है? आप अपने विधायकों को संभाल नहीं पाए, आप उनको रोक नहीं पाए। कल आपने मीटिंग्स भी कर ली, फिर क्रॉस वोटिंग हो गई, फिर आरोप आप बीजेपी पर लगा देते हैं। सर जब अपना ही घर मजबूत ना हो तो दूसरे पर जब एक ताला नहीं लगाइएगा तो घर में तो चोरी होगी ना सर, तब तो कौन रोक पाएगा? ये बताइए, पहरेदारी नहीं करेंगे? चौकीदार आपको पसंद नहीं राठी जी? चौकीदार आपको पसंद नहीं तो घर में तो चोरी होगी ना सर? दो सेकंड दीजिए पूर्णिमा, दो सेकंड दे पाऊंगी सर, फिर बाकी मेहमानों के पास जाना होगा। आ रही हूँ प्रभात झा जी। किसको पसंद? हत्या किसको पसंद? दुष्कर्म किसको पसंद? और समाजवादी पार्टी का उनको अपनी बात करने दीजिए, राठी जी को सुन। मनोज पांडे जी मुख्य सचेतक थे, एक तरीके से सब कुछ उनको दे रखा था। बताइए जिस व्यक्ति ने दिया वो तो भरोसा करने वाला, उनका दर्शन नहीं करने देंगे? जो भगवान राम का दर्शन करने से रोक देंगे उनको? या जिसने भरोसा किया उसको आप अच्छा बताओ? ठीक है सर, चलिए ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गई, मैं आपका पॉइंट समझ गई, मैं लौटती हूँ राठी जी। प्रभात झा जी, प्रभात झा जी आपके पास आते हैं। सिंह साहब थोड़ा रुकिएगा क्योंकि हिमाचल पर भी चर्चा करने हैं, उत्तर प्रदेश के अलावा हिमाचल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रभात झा जी आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है, लेकिन बजट पेश होने से पहले सरकार इतना बता दीजिए, हिमाचल में सरकार बच रही है आपकी या फिर उस पर खतरा मंडरा रहा है? छह विधायकों ने आपकी क्रॉस वोटिंग कर दी, निर्दलीय जो है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी कहती है हम बना लेंगे सरकार। पूर्णिमा जी सर्वप्रथम आपको और मेरे सारे सहयोगियों को मेरा राम राम, नमस्कार। नमस्कार सर। और मैं बड़े गंभीरता से सुन रहा था, बातें गंभीर नहीं हो रही थी लेकिन मैं गंभीरता से सुन रहा था। आपने टैगलाइन चलाई कि मोदी का करिश्मा। अब ये मोदी का करिश्मा अगर लोकतंत्र को लूटने को मोदी का करिश्मा कहा जाता है तो बधाई हो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। अभी हमारे एसन सिंह साहब बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैं सुन रहा था। आप देखिए आपने क्या क्या नहीं किया, सिखों की हत्या आप कराए, देश के संसाधनों में एक अधिकार आप बताए, आप ऐसी बात करेंगे? सुनिए राज्यसभा में तो एक सेकंड प्रभात झा जी, एक सेकंड एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी सुनिए मेरी बात सर, मेरी बात सुनिए। मैं कह रही हूँ कि राज्यसभा में तो क्रॉस वोटिंग हो गई, या तो क्रॉस मत कीजिए, या तो एक एक कर चलने दीजिए सिंह जी, एक एक कर चलने दीजिए, यहाँ क्रॉस मत करिए, कोई बात नहीं सर, उनकी बात सुन लेते हैं, अभी अभी उनको मौका मिला है, आप लगातार बोल रहे थे। प्रभात झा जी अपनी बात पूरी करें प्लीज। जी इन्होंने दोहावली का इस्तेमाल किया, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का बेसिक डिफरेंस दोहावली के माध्यम से ही बताता हूं। हमारी दोहावली ये कहती है कि फल खाए जिस वृक्ष का, गंदे कीने पात, आग लगे उस वृक्ष को कैसे छोड़ू साथ, हमारी वो है। अब ये तुलसी बाबा को याद कर रहे थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ये अपने ही नेता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को अगर याद कर लिया होता इन्होंने, जिन्होंने कहा था फ्लोर ऑफ द हाउस मेरा बहुत सीधा सवाल आपसे ये था कि आपकी सरकार बच रही है या सरकार के गिरने का खतरा आपके पास है? कहा लगातार ये जा रहा है कि आप बहुमत खो रहे हैं, क्रॉस वोटिंग सबके सामने है, मैं तो कुछ कह नहीं रही सर। पूर्णिमा जी मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अक्षर सा दूंगा, तो बस दीजिए ना फिर सर। अरे दे रहे हैं ना पूर्णिमा, आप सिंह साहब के आरोपों का जवाब ज्यादा दे रहे हैं, मेरे सवालों का जवाब कम दे रहे हैं। पूर्णिमा जी हाउस में हमें रोका जाता है, 140 सांसदों का निलंबन कर दिया जाता है कम से कम। मैं आशा करता हूँ कि आप यहाँ तख्तियां लेकर नहीं आए हैं ना, यहाँ आप तख्तियां लेकर नहीं आए, मैं आपको निष्कासित नहीं करूंगी, आपको बोलने का पूरा मौका दूंगी। इस देश की अधिकांश पार्टियां आपके विरोध में खड़ी हुई, कोई बात नहीं सिंह साहब, उनको अपनी बात करने दीजिए प्लीज।
आप निष्पक्ष हो ये मुझे, मैं आशा करता हूँ कि आप निष्पक्षता जो भी हाउस पार्टी मत लहराइएगा सर, रूल्स एंड रेगुलेशन का वायलेशन मत कीजिएगा, मैं आपको निष्कासित नहीं करूंगी। बोलिए बोलिएगा सर, बोलिए इन्होंने कश्मीर फाइल और केरला फाइल की बहुत प्रमोशन करी है, अब एक चंडीगढ़ फाइल का प्रमोशन एसएनसी साहब कीजिए, क्योंकि आपका चेहरा जो है ना पश्चिम बंगाल से, बोल दीजिए ना अभी कांग्रेस खाली पे, बोल दीजिए अभी, यही तो पूछा जा रहा है कहां से कहां जा रहे हैं अब। डेंगू मलेरिया हिंदू धर्म को नहीं कहेंगे अब, हिंदू सनातन को गाली देने का काम नहीं करेंगे कि लड़के लड़की के बीच चले जाते हैं, राहुल गांधी जी नहीं कहेंगे।